Good morning fam, welcome back to a brand new vlog. It is 2nd September, सुबह के 6:15 हो रहे हैं. Welcome to the weekend. Energy आज इतनी high है क्योंकि रात के 11 बजे वापस उठ गया था. वापस schedule पूरा मैस अप हो चुका है. रात को नींद नहीं आई उसके बाद. सुबह के 6 बजे सोचा आज walk पे चले जाऊँ. वॉक पे क्यों जा रहा हूँ और जिम क्यों नहीं जा रहा हूँ मैं आपको वॉक पे बताऊंगा. पूरे नहा धो के रेडी हो गए और बाहर बारिश शुरू. पिछली बार भी वॉक करने गए थे यार, जैसे निकलने की बात बारिश शुरू. अभी देखते हैं रुकती है, हल्की हल्की पड़ रही है, क्या सीन है उसके हिसाब से निकलता हूँ मैं. यहाँ पे बाहर आके खड़ा हुआ हूँ और जिस तरफ मुझे जाना है वहीं पे इतने घने बादल छाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा जाऊँ कि नहीं. बारिश अभी भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है. ठीक है फैम, निकलते निकलते 7 बज गए. हल्की हल्की सी बारिश है बट दैट्स ओके. जब तक इट स्टेज लाइट आई एम फाइन विद इट. आई रियली वॉन्टेड टू वॉक. इतना सोचा था ये एंगल लूँगा, फ़ोन रख के सिनेमैटिक लूँगा, ये वो. पूरा लिटरली आइडिया पे पूरा पानी फेर देता है बारिश. ये पाली का यूजुअली मेरा फेवरेट स्ट्रेच है. यहाँ से ऊपर जाता है, उसके बाद लेफ्ट मारो तो और ऊपर जाता है, उसके बाद लेफ्ट मार के राइट मारो इसके ऊपर तो इट गिव्स यू अ नाइस क्लाइंब. सो या तो मैं कार्टर रोड लेफ्ट मार के ही एंटर कर लूँगा या फिर आल गो द लॉन्ग रूट एंड कमिंग थ्रू थ्रू खाओ गली. अब तक तो सिंगलेट पूरा गीला हो चुका है बट इतना ये नहीं लगता. इट डजंट हिट यू सो बैड बिकॉज इट्स वेरी लाइट रेन, सो आई कैन हैंडल स्टैंड दिस काइंड ऑफ वेदर बट definitely not heavier than this. And we are out at Carter Road. मैंने सीधा ही रास्ता लिया क्योंकि पीछे के साइड से जाता बहुत टाइम लग जाता. And I just wanted to get a nice walk in today. So I thought a lot of people would be there, at least the enthusiasts. थोड़े थोड़े लोग हैं पर ज़्यादा लोग नहीं है. But it's good to sort of connect to nature once in a way because it's been a while that I actually stepped out. Baby, you give me eyes. और एक चीज़ मैंने नोटिस की, जो जो ऐसे एकदम कट्टर मुंबई कर है जिनको पता है कि आप कितना भी कुछ कर लो अगर आप बाहर निकले आप बारिश से बच नहीं सकते. दोज आर द पीपल दैट आर एक्चुअली कम विदाउट एनी लाइक मी. देव लिटरली कम विदाउट एनी रेनकोट्स, एनी अम्ब्रेलाज, एनीथिंग एट ऑल. एंड जो खाली ऐसे नॉर्मल वॉक करने आए वो लोग थोड़ा अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं. बट जो एक्चुअल रनर्स है या तो जो एक्चुअल एक्टिविटी करना चाहते हैं दे नो कि नहीं होने वाला है. सो माइट एज वेल सॉर्ट ऑफ ट्रैवल लाइट. Anyways, this was a amazing little experience because this is very hatke from what I do. I don't usually step out in the rain, but acha tha. And the only reason I actually did it was because aaj gym band tha maintenance ke liye. So ya to subah jana tha ya to sham ko jana tha walk ke liye. I had to get some activity in. So I'm glad I sort of got it in the morning and no regrets at all with the rain. Jab se promenade section bana hai na, I've never come here. So let me sort of check it out. Pretty neat. Don't wanna overthink it, baby. It's just me. This is the infamous Khao Gali with all the restaurants and everything. And हमें 11 बजे के आसपास फिर से यही गली पे आना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम से. वो काम हो गया तो ज़रूर बता दूंगा, ये ब्लॉग में ही डाल दूंगा मैं. बट इंपॉर्टेंट काम है और मज़ेदार भी है, मतलब थोड़ा एक्साइटिंग भी है मेरे लिए तो. एटलीस्ट दूसरों के लिए नहीं होगा आई एम प्रीटी श्योर, बट मेरे लिए थोड़ा एक्साइटिंग है. सो आई विल ट्राई टू कीप यू ऑल अपडेटेड अगर हो जाता, इफ इट ऑल वर्क्स आउट वेल तो. ऑलराइट फैम, वॉक करके हो गया. हम लोग फिलहाल वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पे मैंने आपको सुबह बोला था काम है. फिंगर्स क्रॉस की काम हो जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई रियली होप इट गेट्स डन. और हो गया तो मैं आपको पहले बताऊँगा, पक्की बात. ऑल राइट भाइयों, काम हो गया बट ऐसे धक धक हो रहा है मुझे क्योंकि छोटा सा काम था पर फिर भी यू नो होता ही है, हेजिटेशन थोड़ा सा होता है. बट
काम हो चुका है, सीधा घर जाके दिखाता हूँ। छोटी सी चीज है, कोई नथिंग मेजर, नथिंग मैसिव। ऑलराइट फैम, बैक होम एंड स्ट्रेट टू द अनबॉक्सिंग ऑफ व्हाट आई हैव गॉट। बैग देख के आप समझ ही गए होंगे, इनसे मैं काफ़ी कुछ चीज़ें खरीदता हूँ। बट गेटिंग स्ट्रेट टू द मेन पॉइंट, अंदर क्या है? एज आई सेड, यू गाइज मे नॉट बी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरे लिए नई चीज़ है। सो लेट्स चेक दैट आउट। 3, 2, 1, डन डन ना ना ना। ऑलराइट, ये वो चीज़ है जो आप सोच रहे हो कि नहीं है। इट इज एन आईफोन 11 प्रो 256 GB, और यहाँ पे मेरा पुराना आईफोन XS है। द रीज़न आई टू अपग्रेड आई विल गेट इन टू इन अ मिनट, बट पहले अनबॉक्स कर लेते हैं एंड फ़ोन देख लेते हैं। So here comes the lid off, and that is by Ginnamat, and that is your regular dabba designed by Apple in California. Usko bhi side mein kar dete, and that is your device. It was a really neat piece. It was a good price I got it at. यहाँ पे कैमरा पे अगर आपको मार्क्स दिख रहे हैं तो वो सिर्फ उसी लिए है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक टेम्पर्ड लगाया है, कैमरा प्रोटेक्टर लगाया है। इट्स गॉट अ नाइस फ्रॉस्टेड बैक, ब्यूटिफुल फिनिश, एंड काफ़ी डिसेंट कंडीशन में था। सेटअप वेटअप सब हो चुका है, फटफट घर आके आई इमिडिएटली सेटअप द फोन। बट येस, दैट इज द न्यू लिटल डिवाइस इन द फैमिली, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई आई गॉट दिस। सो इसका जो सबसे बड़ा चार्म है इज ऑफकोर्स, आई एम श्योर यू गेस्ट इट, एज यू सी इट्स गॉट सम फैंटास्टिक फीचर्स फॉर द कैमराज। यू गेट सम फैबुलस 4K फुटेज इन 24 FPS, अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, स्टैंडर्ड मिल जाता है, 2x मिल जाता है, सेम थिंग फॉर द फोटोज। सो ये थोड़ा सा हिंट है एज टू व्हाई आई इवन bothered with this beautiful device. All right fam, now coming to why I took this step. Pehli baat to I never expected myself to ever be on an iOS device, on an iOS system. Ye main bahut baar pehle bhi bol chuka hu. The only reason I came onto the iOS system is because the watch brought more value to me than any of the other devices. Of course the MacBook superb because editing बेस्ट होता है उस पर, लाइक द स्पीड इज मैड, इट इज लिटरली डिजाइन फॉर क्रिएटर्स। सो मैकबुक एंड द वॉच मेरे फिटनेस ट्रैकिंग में काम आ जाता है, एंड इट्स अ नाइस सप्लीमेंट इन टू योर डेली लाइफ एज वेल। वॉच को चलाने के लिए आपको आईफोन की ज़रूरत है, दैट इज़ व्हेन आई मेड द स्विच। और जब लिया था मैं यही सोच रहा था कि भाई एक सस्ता फ़ोन ले लेता हूँ एंड उसको घर पर छोड़ दूंगा बिकॉज आई डोंट प्लान टू स्विच टू iOS। And eventually I made the move because थोड़े से issues आए, मेरा GPay का app रह जाता था, and then I used to carry the iPhone outside or whatever, मतलब basically I had to make the switch. The experience was good, the software is good and everything. The main reason I upgraded from the XS to the 11 Pro is because of the cameras. Off late मैं जितनी vlogging कर रहा हूँ off late, कहीं ना आई फाउंड माई सेल्फ बींग रिस्ट्रिक्टेड बाई माई हार्डवेयर। जो सुबह के भी आपने शॉर्ट्स देखे यही व्लॉग में ऑफ द मॉर्निंग वॉक, वो द इश्यू विद दैट फोन इज उसका जो फ्रंट कैमरा है इज़ अ 180p, सो इट जस्ट हैज़ 1080p का क्वालिटी, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक मतलब पूरा आपके मुंह पे होता है वो, यू गेट माई पॉइंट, लाइक वुड लाइक फिल द फ्रेम अप। सो आप अगर सुबह के भी शॉर्ट्स देखो तो आप समझोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Not just that, there are times and places where I need to pull out my phone mainly for recording, for the vlog. Bada camera main har jagah nahi le ja pata, ya fir har jagah aap use nahi kar pate kyunki aap kisi aur ko dara doge, ya aap you know wo aap pe nazar pad jati hai fat se. Situations like the airport and stuff where you want to keep it low key, you don't want to zyada aapko attention attract nahi karna hai aapki taraf. वहाँ पे यू नो यू नीड अ डिवाइस दैट कैन डू द जॉब, यू पुल इट आउट ऑफ योर पॉकेट एंड इट गेट्स द जॉब डन। द कैमराज ऑन दिस आर फैंटास्टिक, आईफोन्स आर नोन फॉर सुपर वीडियो क्वालिटी। सो राइट नाउ द रीजन आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लिप विद द आईफोन इज फॉर यू गाइज टू सी द क्वालिटी। ये जो है फ्रंट कैमरा पे है,
4K 24 FPS, which is cinema grade. And that's the reason I said कि ये जो clip है मैं इसी पे record करता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा आए कि what a smartphone is capable of. It will, of course, it will never replace my DSLR. I will always love that camera more for the crisp quality it gives me. मतलब उस पर तो मतलब आप दाढ़ी के बाल गिन सकते हो, उतना sharp है वो. But this is a much welcome upgrade. पीछे के जो cameras है इसके, again all 4K lenses. It has, जो iPhone XS था मेरा उसके उसके ऊपर सिर्फ दो लेंस थे पीछे, टेलीफोटो था और एक स्टैंडर्ड वाइड एंगल था. इस पे तीन लेंसेज है, एक स्टैंडर्ड है, टेलीफोटो है एंड इट हैज़ द वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल एज वेल. अल्ट्रा वाइड व्लॉगिंग में बहुत काम आ जाता है. ऑल द शॉट्स वेयर यू वांट टू शो सीनिक एरियाज अराउंड यू, इट मेक्स द शॉट वेरी वेरी इंडल्जिंग. So that is the main reason for me to upgrade to the 11 Pro. Hopefully ये phone काम कर जाए, it works wonders for me and I can record a lot more for you guys from this phone. That's the only reason I upgraded. मैं उनमें से नहीं हूँ जो 1.5 लाख 2 लाख खर्च कर दे iPhone 14 Pro पे, it does not make sense for me. This is more like a run and gun situation. जब मेरे पास मेरा main camera नहीं होता या फिर I need to just pull out a camera quickly, that is when I need my phone. So I hope that this does the job and I'm super excited to use it, to be very honest. ऐसा मन कर रहा है वापस वॉक के लिए निकलूं और पूरा एक और व्लॉग बना दूं पूरा. All right fam, ये वाला व्लॉग एंड करना ही भूल गया था, तो मतलब ये क्लिप मैं यूज कर रहा हूँ. ये छोटा सा व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो यू गाइज नो वॉट टू डू, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, टर्न ऑन योर बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेन माय नेक्स्ट वीडियो कम्स आउट फॉर श्योर. आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज द न्यू फोन. सो यस, स्टिक अराउंड, स्टे ब्लेस्ड, कीप पुटिंग द वर्क. आई होप यू गाइज एंजॉय द व्लॉग. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन.